मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अर्पिता खान का ईद बैश ट्यूसडे के दिन कई सारे बॉलीवुड स्टार्स ने अटेंड किया, जिसके बाद बता दें कि एक्टर हुमा कुरैशी ने एक पार्टी होस्ट की थी वेनसडे के दिन और उनके एक्टर ब्रदर साकिब सलीम ने उनको ज्वाइन किया उनके पेरेंट्स के साथ एज उन्होंने ईद सेलिब्रेट किया। वेल, कई सारे इंडस्ट्री के दोस्तों को उन्होंने बुलाया था, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा, रकुलप्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती इस पार्टी में स्पॉट किए गए। रकुलप्रीत सिंह को यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी के साथ देखा गया, उन्होंने कुर्ता और पैजामा पहना था। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी सिन्हा ने ब्लैक कलर का पैंट सूट पहना था, जिसमें वो काफ़ी डिफरेंट और अच्छी लग रही थी। रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर ऑफ वाइट सूट में देखा गया। बॉलीवुड एक्टर्स रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को स्पॉट किया गया शूट करते हुए एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में। वेल, बता दें कि दोनों ट्विन कर रहे थे ब्लैक में, एज उन्होंने पैपराजी को ग्रीट किया अपने कार में जाने से पहले। दोनों को पहली बार स्पॉट किया गया है अपने वेडिंग के बाद। उनके जो वेडिंग थी वो लास्ट मंथ ही हुई थी रणबीर के घर में। वहीं बता दें कि फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उनकी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए, जो इस साल रिलीज होने वाली है। रणबीर कपूर को ब्लैक टी शर्ट और प्रिंटेड ब्लैक पजामा में देखा गया, ब्लैक कैप और वाइट शूज़ के साथ उन्होंने थम्स अप साइन शो किया फोटोग्राफर्स की तरफ एज फोटोग्राफर्स ने उनका नाम बुलाया। वहीं दूसरी तरफ आलिया ब्लैक शर्ट और पैंट्स में नजर आई और उन्होंने भी पैपराजी की तरफ वेव किया, जिसके बाद उन्होंने रणबीर को ज्वाइन किया कार में। वेनसडे के दिन एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने एक पिक्चर शेयर की अपने इंस्टाग्राम पर सलमान खान के साथ। ये जो पिक्चर थी सलमान खान की बहन अर्पिता खान के स्टार स्टडेड ईद बैश की थी, जिसे अटेंड किया था सुष्मिता सेन ने ट्यूसडे के दिन। सुष्मिता को यहां पर स्पॉट किया गया अपनी डॉटर रेने सेन के साथ एंटर करते हुए। फोटो में हम देख सकते हैं कि सुष्मिता यहां हंसती हुई नज़र आ रही है एज वो सलमान खान के साथ पोज कर रही हैं और उन्होंने उनका शोल्डर पकड़ा हुआ है। उन्होंने इस फोटो को कैप्शन किया, आई होप यू ऑल सेलिब्रेटेड ईद विद योर लव्ड वंस, वेल विशर्स एंड इन द कंपनी ऑफ गुडनेस। आई नो आई डिड एट द रेट बींग सलमान खान। अल्लाह आपकी सारी जायज दुआएँ कबूल करें। My love and respect to all at home. I love you guys so much. Well, दोनों की ये साथ में पिक्चर देखकर फैंस को बीबी नंबर वन की याद आ गई और उन्होंने बीबी नंबर वन का सीक्वल रिक्वेस्ट किया। एक्टर कार्तिक आर्यन ने अब जाकर बात की है रूमर्ड फॉलआउट विद करण जौहर के बारे में। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा था कि दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन का बड़ा ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, जिसकी वजह से करण जौहर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे और जिसके बाद दोस्ताना 2 से उन्हें निकाल दिया गया था। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन अलॉन्ग साइड विद जानवी कपूर और डेब्यूटांट लक्ष्य के साथ नज़र आने वाले थे और एक रीसेंट इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, आई जस्ट फोकस ऑन माई वर्क, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से ऑन दिस, लुक एट माई फिल्म लाइनअप। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वॉट हैपन्स एट टाइम्स इज पीपल मेक बात का बतंगड़, देर इज़ नथिंग मोर टू इट, नो वन हैज़ सो मच टाइम, एवरीबडी जस्ट वॉन्ट्स टू वर्क, डू गुड वर्क, अदर देन दैट थिंग्स आर जस्ट रूमर्स। एक्टर अदिति राव हैदरी लेटेस्ट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने परचेज किया ब्रांड न्यू ऑडी Q7 SUV। इसी के पिक्चर्स सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जहां अदिति इस कार के कीज़ कलेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ऑडी मुंबई वेस्ट शोरूम में ये लग्जरी SUV का जो प्राइस है वो 1 करोड़ का है। वेल, बता दें कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अदिति राव ने एक रेड कलर का सूट पहना है एज वो बुके रिसीव करती हुई नज़र आ रही हैं अपने नए कार के सामने। उनका जो कार है उसका कलर है डार्क ब्लू। कुछ पिक्चर्स शेयर करते हुए ऑडी मुंबई वेस्ट ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया अदिति राव हैदरी को। उन्होंने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस अदिति राव हैदरी, वेलकम टू दी ऑडी फैमिली। एक्टर आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी
बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, जब से फरवरी 25, 2022 को ये फिल्म रिलीज हुआ। वेनसडे के दिन आलिया ने इस फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और रिवील किया कि ये जो फिल्म है टॉप नॉन इंग्लिश फिल्म ऑफ नेटफ्लिक्स बन चुका है, वो भी ग्लोबली। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय लीला बंसाली ने और इस फिल्म में शांतनु महेश्वरी, विजय राज और अजय देवगन भी नजर आए थे आलिया भट्ट के साथ साथ। एक ही हफ्ते के अंदर गंगूबाई काठियावाड़ी एक नंबर वन नॉन इंग्लिश फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स बन चुका है ग्लोबली, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही ये फिल्म रिलीज हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। ये फिल्म टॉप 10 में आ चुका है कंट्रीज जैसे कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UAE में। डायरेक्टर मधु भंडारकर ने थर्सडे के दिन अनाउंस किया रैप हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बबली बाउंसर का स्टारिंग तमन्ना भाटिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में। टीम ने रैप अप किया इस फिल्म को मुंबई में 3 महीने के बाद, जब से उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तमन्ना ने अपने कैरेक्टर के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा, आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड फन कैरेक्टर्स विद सब्सटेंस दैट आई हैव कम अक्रॉस। वहीं रैप अप से कई सारे पिक्चर्स ऑनलाइन सर्फेस हो रही हैं, जिसमें हम तमन्ना को और पूरी टीम को क्लैप बोर्ड के साथ पोज करते हुए देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इट्स अ रैप। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन का भाई रोहित धवन और उनकी वाइफ जो है एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेल बता दें कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑर्डर में बने हुए हैं, एज वरुण धवन के भाई रोहित धवन और उनकी वाइफ ने वेलकम किया अपने बेबी को, उन्होंने एक बेबी बॉय को वेलकम किया। वरुण धवन अपने भाई और अपने भाभी के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। रिसेंटली उनका बेबी शावर हुआ था जिसे वरुण धवन ने भी अटेंड किया था और अब बता दें कि दोनों प्राउड पेरेंट्स बन चुके हैं एक बेबी बॉय के, जिसके बाद कई सारे सेलिब्रिटीज ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया इंडस्ट्री से। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। वेल बता दें कि वरुण धवन ने रिसेंटली शेयर किए कुछ पिक्चर्स जिसमें वो अपनी बॉडी, अपने एब्स फ्लॉन्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ इन फोटोज़ में वो शर्टलेस हैं और पहली तस्वीर में वो अपना स्टारबक्स कॉफ़ी पीते हुए नज़र आ रहे हैं, पोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी और तीसरी फ़ोटो में वो कुछ कैंडिड पोजेस देते हुए नज़र आए और उन्होंने इन फ़ोटोज़ को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, गो गेट इट बट फर्स्ट गेट सम कॉफ़ी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने इंस्टाग्राम पर आए दिन अपने लेटेस्ट फोटोज शेयर करती हुई नज़र आती हैं। रिसेंटली ईद के खास मौके पर उन्होंने ग्रीन कलर का, लेमनी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो गॉर्जियस लग रही हैं और इन्हीं फ़ोटोज़ में हम उनको इस साड़ी में देख सकते हैं। ये जो साड़ी है बहुत ग्लैमरस लग रहा है सोनाक्षी पर, और उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं, वेवी रखे हैं अपने बालों को और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ईद का चांद। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा ने रिसेंटली मालदीव्स विजिट किया था वेकेशन के लिए और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई सारी तस्वीरें शेयर किए थे जो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई नज़र आई थी। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज़ और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी का।